गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ओलिविया पैनकेक में आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग कौन सा शेड परचेज करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो हेल्पफुल रहती है देन प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद में जो बेल आइकन है उसको हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद पैकेजिंग। सो ओलिविया पैनकेक कुछ इस टाइप से आपको रिसीव होता है। ब्लैक कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, गोल्डन में सब कुछ डिटेल्स मेंशन है। इसमें मेंशन है गाइस ये 100% वाटरप्रूफ है। सो ये वाटर रेजिस्टेंट है, वाटरप्रूफ हम नहीं कह सकते कि 100% ही है। तो कुछ इस टाइप की पैकेजिंग आती है एज आई टोल्ड यू। ओके, और गाइस बात करें इसके प्राइस की तो इसका प्राइस है 150 रुपीज। आपको ये ऑनलाइन ऑफलाइन इजिली मिल जाता है। सो मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप परचेज कर लीजिएगा। 3 इयर्स की गाइस इसमें शेल्फ लाइफ मिलती है, तो 3 साल तक आपको ये चलेगा, तो बहुत ही अच्छी खासी इसमें शेल्फ लाइफ भी है। ठीक है, सो क्या कुछ इस टाइप से आपको रिसीव होता है। सो गाइस इस टाइप से कुछ ये रिसीव होगा। आउटर पैकेजिंग की हमने बात कर ली, इनर पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है, आपको ये इस टाइप से रिसीव हो जाता है। इसके साथ एप्लीकेटर भी है। काफी लोगों को लगता है कि यार ये खराब है, इसको क्यों दिया, बट गाइस इसी से ही अप्लाई होता है। अगर आपने ये फेंक दिया तो फ्री अप्लाई नहीं हो सकता। सो या इसके साथ गाइस आपको एक प्रोटेक्टर भी मिल जाता है। इस टाइप से आपको प्रोडक्ट रिसीव होता है। ये शेड है गाइस 21 गोल्डन येलो, जो कि काफी येलो है। ठीक है, तो या तो ये कुछ इस टाइप से आपको रिसीव हो जाता है। सो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल्स बता देती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कुछ इस टाइप से आपको रिसीव होता है। इसमें मेंशन है कि 100% वाटरप्रूफ है, तो 100% वाटरप्रूफ नहीं है गाइस, ये वाटर रेजिस्टेंट है। और क्या ये रिमूव तो नहीं होता है, बट ये नहीं कहूंगी कि 100% वाटरप्रूफ है। ओके, उसके अलावा गाइस आपको 11 to 13 शेड देखने को मिल जाते हैं। 3 साल की शेल्फ लाइफ आपको मिलती है, 3 साल तक आप इसको रगड़ घिसड़ के आराम से चला सकते हैं। सो यस गाइस, और गाइस उसके अलावा गाइस आपको ये पॉल्यूशन और डर्ट से भी प्रोटेक्ट करेगा। 150 रुपीज का आपको मिल जाता है, लेकिन इस पे अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है। ऑफलाइन ऑनलाइन इजिली आपको मिल जाएगा। ओके गाइस, तो आपको अब इसको यूज कैसे करना है थोड़ा वो भी बता देती हूँ। सो गाइस सबसे पहले इसको वेच करना है, देन एक्सेस वाटर को स्क्वीज करना है। स्क्वीज करने के बाद इस टाइप से आप होल्ड करेंगे और इस टाइप से इसको ड्रैग करके हल्का हल्का इस टाइप से अप्लाई करेंगे। तो ये आप देख सकते हो कि हल्का हल्का आपने इस टाइप से करके इसको अप्लाई कर लेना है। बाकी मैंने इसके ऊपर एक मेकअप लुक शेयर किया हुआ है, जिसमें मैंने इसको अच्छे से यूज करके आप लोग को शो किया है। और आप डिफरेंस भी देख लीजिएगा कि किस टाइप की कवरेज आपको प्रोवाइड कर देता है। सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को चेक करेंगे तो काफी हेल्पफुल हो जाएगी आप लोग के लिए। ठीक है, सो गाइस टोटल आपको 12 शेड मिलते हैं। और जब भी आप ऑनलाइन देखते हैं तो आपको सारे शेड ना ऐसे फेयर और आपकी स्किन टोन से सिमिलर ही लगेंगे, और आप उनको बाय कर लेते हैं देन वो रॉन्ग शेड आ जाते हैं। तो आपके सारे डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। सो ये कुछ शेड्स हैं, आप देख लीजिए स्क्रीन पे। सो गाइस अब बात कर लेते हैं शेड्स की। तो मैंने यहाँ पे डायरी में मेंशन किया है, तो यहाँ देखना पड़ेगा, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। ओके, सो गाइस सबसे फर्स्ट जो शेड है वो है 21, वो है गोल्डन येलो, जो कि फेयर स्किन टोन पे जाएगा विद येलो अंडरटोन। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस येलो अंडरटोन मीन्स वार्म अंडरटोन। अब वार्म अंडरटोन, कूल अंडरटोन, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे आपको देखना है, वेन्स आपको दिखाई देंगी। अगर आपकी ब्लू कलर की है तो आप कूल अंडरटोन वाले हैं, अगर आपकी ग्रीन है तो आपके वार्म अंडरटोन में है, दैट्स इट। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो शेड आता है वो है 21 गोल्डन येलो, जो कि फेयर स्किन टोन पे, जो कि बहुत ज्यादा फेयर स्किन टोन है विद येलो अंडरटोन, उन पे जाएगा। लेकिन गाइस मुझे वो शेड अच्छा नहीं लगा, जैसे कि मैंने आपको शो किया था बहुत ज्यादा येलो है, तो वो कलर करेक्टर की तरह लगता है और येलो येलो पूरा स्किन लगता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या लगा लिया। तो वो शेड मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया है, क्योंकि मैंने गोल्डन येलो ही परचेज किया था सबसे पहले। उसके बाद गाइस है 22 ब्रॉन्ज ग्लो, जो कि फेयर स्किन टोन पे जाएगा विद कूल अंडरटोन। ओके, उसके बाद गाइस शेड है फ्रेश पीच, जो कि अगेन फेयर स्किन टोन पे जाएगा विद कूल अंडरटोन, क्योंकि पीचिश जो साइड है उनकी साइड जाएगा ये वाला। उसके बाद है गाइस नेचुरल हनी, जो कि मेरे पास है, फेयर स्किन टोन विद वार्म अंडरटोन, येलो अंडरटोन वालों के लिए जाएगा, जैसे कि मैं आपको शो कर देती हूँ। काफी यूट्यूबर ने बोला था कि फेयर स्किन टोन के लिए 21 शेड जाएगा, दैट्स व्हाई मैंने परचेज किया था। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी दिखाऊंगी कि क्या डिफरेंस है। और मैंने जो शेड परचेज किया है वो 24, जो कि मेरे स्किन टोन के अगर आप सिमिलर हो या फिर मुझसे हल्का सा डार्क हो या लाइट हो, तब भी आपके ऊपर 24 शेड जाएगा, जो कि है नेचुरल हनी। ओके, तो मैं आपको डिफरेंस दिखा देती हूँ। ये है गाइस येलो, ठीक है, जो कि 21 था गोल्डन येलो शेड, और ये है 24 शेड। ये देखो आप, फिर भी आपको फाउंडेशन जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये कितना ज्यादा पीला पीला लग रहा है, राइट? तो ये किसी भी स्किन टोन पे नहीं जाएगा। लाइक मेरी नेल पेंट नियॉन कलर की है, वो इससे मैच कर रही है, आप देख सकते हो। तो ये बहुत ही ज्यादा येलो है, ठीक है, तो ये किसी भी स्किन टोन पे मेरे हिसाब से तो नहीं जाएगा।
बट ये वाला जो है फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए परफेक्ट शेड है। तो 24 शेड आप परचेज कर सकते हो। अगर आपकी मेरी स्किन टोन से सिमिलर है, थोड़ी सी लाइट है या डार्क है, तो आप लोग के लिए 24 शेड परफेक्ट रहेगा। ओके गाइस, आपको 21 और 24 दोनों में क्लियर हो गया होगा कि कितना ज्यादा डिफरेंस है, राइट? तो 24 शेड परफेक्ट है नॉर्मली इंडियन स्किन टोन के हिसाब से। बाकी शेड भी बता देती हूँ। नेक्स्ट आता है गाइस 25 शेड नंबर, जो कि है नेचुरल बेज, जो कि फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे जाएगा विद कूल अंडरटोन। उसके बाद गाइस आता है 26th शेड, जो कि है आलमंड डस्ट, जो कि मीडियम स्किन टोन पे जाएगा विद वार्म अंडरटोन। ओके, उसके बाद आता है 27 शेड, जो कि है सन टोन, जो कि मीडियम स्किन टोन पे जाएगा विद कूल अंडरटोन। उसके बाद आता है गाइस 28 शेड, जो कि है डार्क पेज, जो कि मीडियम टू डस्की स्किन टोन की साइड जाएगा। ओके, उसके बाद है गाइस 29 शेड, जो कि है टच एंड ग्लो, जो कि डस्की स्किन टोन की साइड जाएगा। ये मेरे पास शेड है 29, जो कि बहुत ज्यादा डार्क है और ऑरेंजी शेड है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, तो ये भी मुझे शेड इतना सही नहीं लगा है। ओके, ये शेड 29 है। एंड गाइस उसके बाद है 30 शेड, जो कि है ऑरेंज, जिसको आप एज अ ऑरेंज कलर करेक्टर यूज कर सकते हो। लेकिन गाइस पहले आप इसको ऑरेंज कलर करेक्टर की तरह यूज करके देन फिर कोई पैन केक या कुछ भी अप्लाई करोगे तो बहुत ज्यादा मेकअप लुक केकी और पैची लगता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि उस शेड को भी आप परचेस ना ही करें तो बेटर होगा। उसके बाद गाइस 31 शेड है, जो कि है लाइट इजिप्शियन, जो कि डस्की स्किन टोन के लिए। बाकी गाइज आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेड नंबर, नेम और कौन से स्किन टोन पे जाएगा, कौन से अंडरटोन पे जाएगा, सब कुछ मेंशन कर दूंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लीजिएगा बाय करने से पहले। बट मैं गाइज यही बोलूंगी कि अगर आप इंडियन स्किन टोन और फेयर टू मीडियम साइड हो तो आप 24 शेड जो है ना वो परचेज करो तो ही बेटर है, बिकॉज बाकी जो शेड है वो सारे अजीब अजीब है। लाइक कुछ ज्यादा येलो है, कुछ ज्यादा ही डार्क है, कुछ ऑरेंज है, तो बहुत ही अजीब अजीब शेड है, तो वो आपको ना क्लियर नहीं हो पाएगा। तो बेटर है कि आप 24 शेड ही परचेज करो, वो सभी पे चले जाता है नॉर्मली एंड काफी नेचुरल लुक भी देता है। मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहती हूँ, जब भी आप पैनकेक यूज करें उससे पहले प्लीज अपने स्किन को अच्छे से डीपली हाइड्रेट करें, एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करें, उसके बाद एक अच्छा सीरम यूज करें एंड देन पैनकेक को अप्लाई करेंगे तो आपका पैनकेक बहुत फ्लॉलेस तरीके से अप्लाई होगा, बहुत फ्लॉलेस लुक लगेगा बेसिकली। एंड अगर आप डायरेक्टली कुछ भी हल्का सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद इसको अप्लाई करोगे तो केक ही पैची लगता है और ऐसा लगता है कि मिट्टी वगैरह लगा ली है। तो बेटर है कि सीरम वगैरह से अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करो एंड देन पैनकेक को यूज करो। सो गाइस आई नो कि आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी हुआ होगा बिकॉज बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रही थी, सो उसके लिए आई एम सो सॉरी। सो यस गाइस, आई होप कि वीडियो आप लोग के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही हो। सो यह मिलते हैं गाइस मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।